बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस दिव्या खोसला कुमार आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। वो 39 साल की हो गई हैं। उनकी खूबसूरती अब भी बरकरार है। एक्ट्रेस की सुंदरता के आगे उनके पति और टी सीरीज के मैनेजिंग डायरेक्टर भूषण कुमार कुछ कमतर नजर आते हैं। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल कई बार आता है कि आखिर इतनी खूबसूरत एक्ट्रेस ने भूषण कुमार से कैसे शादी कर ली। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे दोनों की शादी हुई। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल NN बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दरअसल दिव्या के एक्टिंग करियर और लव लाइफ की शुरुआत एक साथ हुई। एक्ट्रेस ने महज 20 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा। वो सबसे पहले 2004 में फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों में अक्षय कुमार के अपोजिट नजर आई थी। इसी फिल्म के दौरान दिव्या और भूषण कुमार की पहली मुलाकात हुई। ये मुलाकात काफी प्रोफेशनल थी, लेकिन भूषण दिव्या को पहली नजर में ही दिल दे बैठे, जिसके बाद दोनों के बीच टेक्स्ट पर बातें होनी शुरू हो गई। हालांकि ये ज्यादा दिनों तक नहीं चली, क्योंकि भूषण की इश्कबाज वाली इमेज के चलते दिव्या ने एक समय पर आकर उनके मैसेजेस का रिप्लाई करना छोड़ दिया। एक इंटरव्यू के दौरान दिव्या ने इस पर बात करते हुए बताया था कि वो एक कंजर्वेटिव पंजाबी परिवार से आती है। ऐसे में वो किसी भी अमीर लड़के के करीब नहीं जाना चाहती थी। उन्हें लगता था कि भूषण उनके साथ केवल मजे ले रहे हैं, इसलिए दिव्या ने जवाब देना बंद कर दिया था। ऐसे में पहले तो भूषण दुखी हुए, लेकिन फिर उन्होंने एक्ट्रेस को अपने प्यार में पागल कर ही दिया। साथ ही एक्ट्रेस के घर वालों को भी मना लिया। फिर भूषण और दिव्या ने साल 2005 में ही शादी करने का फैसला किया। दोनों ने वैष्णो देवी मंदिर में एक दूसरे से शादी कर ली। उस वक्त दिव्या महज 21 साल की थी। दिव्या और भूषण की शादी को 16 साल बीत चुके हैं। दोनों का एक बच्चा भी है जो अब 7 साल का हो चुका है। खैर, बात की जाए एक्ट्रेस के जन्मदिन की तो वो इस खास मौके पर गुरुद्वारे पहुंची हैं, जहां से उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वहीं दिव्या जल्द ही फिल्म सत्यमेव जयते 2 में नजर आने वाली है, जिसमें एक्टर जॉन इब्राहिम उनके साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। फैंस को दोनों की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।